पिपरिया में लगातार लॉकडाउन के चलते लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज प्रयोग के तौर पर दोपहर 12 बजे से 4:30 बजे तक शहर के बाजार को खोलने का निर्णय लिया। लेकिन दुकानें खुलते ही दुकानों के सामने बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। नतीजतन प्रशासन ने पूर्व के निर्णय को यथावत रखने का फैसला किया। प्रशासन और जन प्रतिनिधियों ने लोगों को राहत देना चाहा। इसी उद्देश्य को लेकर लोगों के लिए बाजार खोला गया। कई दिनों के बाद बाजार खुला, इस कारण लोगों का बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलना लाजमी था। इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर की प्रमुख बैंकों के सामने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते भी देखी गईं। साथ ही बैंकों के द्वारा भी जो मूलभूत व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो भी नजर नहीं आईं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने बैंकों के सामने ना तो किसी प्रकार के पोस्टर लगाए गए थे और ना ही कुछ बैंकों में सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। SDM मदन सिंह रघुवंशी ने अगले आदेश तक पूर्व के नियमों के साथ बाजार बंद रखने की बात कही। कुछ आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हो जाएं पब्लिक को, इसके लिए एक प्रयोग के तौर पर कुछ जैसे कपड़े जूते वगैरह की दुकानें आज खोलने के लिए 12 से 4 बजे तक की अनुमति दी गई थी। तो उसमें ये देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका है, लोग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, बहुत मुश्किल से उसको मेंटेन किया गया, करने में बहुत दिक्कत आई। इसलिए अभी निर्णय लिया गया है कि ये बाजार बंद करने का जो निर्णय पहले से था वो यथावत रहेगा। अब बाद में कोई और निर्णय होगा तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये बाजार बंद करने की व्यवस्था जो है पूर्ववत लागू रहेगी। हालांकि आज बाजार खोलने को लेकर पिपरिया के जन प्रतिनिधियों और प्रशासन में विरोधाभास नजर आया। प्रशासन के विभागों की जनता के प्रति जिम्मेदारी है, वहाँ किसी तरह की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं हुआ। आप लोग पत्रकार हो, आप बता, 1 महीने तक कहाँ छिड़काव हो रहा है, नालियाँ साफ कहाँ हो रही हैं? प्रशासन की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ वो निर्वाह होकर पूरा केंद्रित प्रशासन न व्यापारियों पर केंद्रित है। बाजार खुलेंगे तो भीड़ होगी, बाजार कोई संतान घाट नहीं है जहाँ शांति रहेगी। जब आप घोषणा कर रहे हो 2 दिन खुलेगा बाजार तो भीड़ तो बढ़ेगी। प्रशासन की जो चतुराई होना चाहिए, बाजार नियमित खुलेगा तो जनता अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। आप कह रहे हो 2 दिन खुलेगी जनता की भीड़ लगेगी, तो जनता की कौन सी गलती है? आपने कहा 12 से 4 2 दिन खुलेगा, प्रशासन की गाड़ी 2:30 बजे घूम जाती, व्यापार बंद करो, दुकानें बंद करो। आखिर स्पष्ट नीति प्रशासन को तय करना पड़ेगा कि व्यापार खोलना है कि नहीं। आखिर में प्रशासन से चाहे तो अपने दिशा निर्देश तय करें। 1 दिन निर्णय लेते हैं कुछ, 2 दिन तत्काल निर्णय लेते हैं कुछ। प्रशासन की जो मूलभूत जिम्मेदारी है उससे निर्वय होकर पूरा बाजार में फोकस प्रशासन का। CMO लट्ठ लेके घूम रहा है, किस प्रशासन के तहत है उसके अधिकार बताइए? मैं आप पत्रकार आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर किस मुख्यमंत्री कह रहा किसी पे लाठी ना बरसाओ? पर लाठी आप देख रहा हूँ, पत्रकार लोग रोज पढ़ रही है लाठी है। आप मेरी बात का खंडन करो अगर आप पत्रकार हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? जितनी आप संख्या की बात कर रहे हैं इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ मजदूर निकल गए और हमने उनको रोक के पूरी खिलवाई। इतनी संख्या आप बात कर रहे हैं, इतनी संख्या हमारी बैंकों में भी है, बैंकों में भी है, और इतनी संख्या हम देखें तो हमारे मंडी में भी है। संख्या की बात नहीं करें, हम तो व्यवस्था दे रहे हैं। आज मंडी में यदि लोग निकल कर नहीं आएंगे तो उनका अनाज कैसे बिकेगा? एक ट्राली में कम से कम 4 या 5 लोग आते हैं मंडी में, या हम उनको भी नहीं रोक सकते। हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं तो ये हाथ धोएं, साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। आज बैंक में देख लें आप, बैंक में स्वयं सेवक भी लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है, शासन प्रशासन लगा हुआ है। उसके बाद आप देखना कितने लोग बैंक में लाइन लगा के आ रहे हैं। सुबह से लोग 1 घंटे पहले जाके बैठ जाते हैं लाइन के चक्कर में। तो ये तो हम सिर्फ क्या है, हम लोगों से ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए। बनखेड़ी में भी बड़ी संख्या में बैंकों और ATM के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई। बैंकों के सामने ना तो लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, ना ही प्रशासन का कोई कर्मचारी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश देता हुआ दिखाई दिया। पूरी दुनिया में फैलने वाली COVID-19 महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी। ऐसी स्थिति में हम सारी जवाबदारी प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते। जान हमें अपनी बचाना है, जितना हो सके हमें एक दूसरे से दूरियां बनानी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, पूरे समाज को COVID-19 महामारी से बचा सकते हैं।
पिपरिया से ओम प्रकाश रघुवंशी और बनखेड़ी से संजय वैष्णव की रिपोर्ट।